हेलो गाइस, सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर द आइडिया ऑफ इंडिया. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया था. दिस इज नाउ नाउन एज लॉ डे. अब ये लॉ डे के रूप में मनाया जाता है. इट वॉज साइंड बाय 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स के साइन थे. ऑन 24 जनवरी 1950 और ये 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया था इसे 284 मेंबर्स के द्वारा. जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन टू साइन इट. जवाहरलाल नेहरू वो पहले आदमी थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने इस पर साइन किया था. एंड ही वाज सो एक्साइटेड, और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे दैट ही डिड सो विदाउट लीविंग एनी स्पेस फॉर द प्रेजिडेंट सिग्नेचर. तो इतने ज़्यादा वो एक्साइटेड थे कि उन्होंने प्रेजिडेंट के सिग्नेचर के लिए भी स्पेस नहीं छोड़ा. द प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउएवर मैनेज्ड टू स्क्वीज हिज सिग्नेचर अबव नेहरूज. जो प्रेजिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किसी तरीके से अपने सिग्नेचर थे वो मैनेज कर लिए नेहरू के सिग्नेचर क्या स्क्वीज करते हुए उनको. सो उसके ऊपर ही टू डेज लेटर, दो दिन बाद, ऑन 26 जनवरी विच इज़ नाउन एज रिपब्लिक डे. तो उसके दो दिन बाद, तो ये जो हुआ था ये कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और उसके दो दिन बाद 26 जनवरी विच इज़ नाउन एज रिपब्लिक डे, जिसे हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था. सो टू डेज लेटर ऑन 26 जनवरी विच इज़ नाउन एज रिपब्लिक डे वी बिगिन टू बी रूल्ड बाय द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो उसके दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 से विच इज़ नाउन एज रिपब्लिक डे, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तब से वी बिगन टू रूल बाय द, तब से हम पर हम उससे चलने लगे, रूल करने लगे उससे, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो तब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो गया और तब से वो कानून चलने लगा. इट स्टार्ट विद द प्रियम्बल. ये प्रियम्बल से स्टार्ट हो रहा है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसकी जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रियम्बल, प्रस्तावना उसकी. इट सेट आउट और नेशनल गोल्स. और इस प्रस्तावना में क्या है, हमारे जो नेशनल गोल्स हैं यानी हमें किस ओर बढ़ना है एज ए सिटीजन, वो बताए गए हैं. सच एज जस्टिस एंड इक्वालिटी, और वो क्या है कि न्याय और समानता. द प्रियम्बल वॉज चेंज इन अर्ली 1977 के शुरुआती दिनों में इसे प्रियम्बल को थोड़ा चेंज किया गया. एंड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वॉज एडेड, और इसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर भी एड किए गए जो कि पहले नहीं थे स्टार्टिंग में. एज वेल एज द वर्ड इंटीग्रिटी, और वर्ड जो इंटीग्रिटी है वो भी इसके अंदर ऐड किया गया. सोशलिस्ट होता है समाजवादी, समाजवाद. सेकुलर मीन्स होता है किसी धर्म धर्म से संबंधित ना होना, यानी सेकुलर रहना. सब धर्मों का समान भाव से आदर करना मीन्स सेकुलर. वर एडेड एज वेल एज द इंटीग्रिटी, और उसमें इंटीग्रिटी वर्ड भी जोड़ा गया. इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, यूनिटी. सो नाउ द प्रियम्बल रीड्स. अब प्रियम्बल है उसे इस तरीके से रीड करते हैं. ये रॉ प्रियम्बल है, जैसी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है सेम वैसी. इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है जो बुक है उसके द्वारा, जो जस्टिस लीला सेठ की बुक है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है, वो आगे पढ़ेंगे हम. सो पहले हम इसे पढ़ते हैं. सो नाउ द प्रियम्बल रीड्स. प्रियम्बल इस टाइप से है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैव सॉल्मनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. हम भारत के लोग सत्यनिष्ठा से दृढ़ संकल्प लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, भारत को बनाने का, इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सॉवरन मींस संप्रभुता संपन्न, यानी किसी का हमारे ऊपर कोई दबाव ना हो. सोशलिस्ट मींस समाजवादी, सेकुलर मींस सेकुलर, सब धर्मों के प्रति समान भाव रखना. डेमोक्रेटिक मींस लोकतंत्र, रिपब्लिक मींस गणराज्य, गणतंत्र. तो ये सब बनाने का शपथ लेते हैं, एक प्रण लेते हैं. एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, और जो भारत के सारे सिटीजन हैं उनको सिक्योर करने का. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, भारत के सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को सिक्योरिटी देने का. जस्टिस किस किस चीज़ की, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी. सो जस्टिस मीन्स किस चीज़ का जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय. लिबर्टी आज़ादी,
लिबर्टी मीन्स आज़ादी, जस्टिस मीन्स न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, यानी विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता मीन्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ की स्वतंत्रता, विश्वास की, बिलीफ मीन्स विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ यानी फेथ भी विश्वास होता है धर्म की, एंड वर्शिप और अपनी पूजा करने की स्वतंत्रता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी, यानी समान रूप से अपने जो स्टेटस है उसकी समानता, इक्वालिटी मीन्स समानता, सो स्टेटस की समानता, अपॉर्चुनिटी यानी मौक़ों की, अवसरों की समानता, एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, और इसको सबके बीच में प्रमोट करने की, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की डिग्निटी यानी उसके सम्मान को अश्योर करने की, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो एकता है, यूनिटी है, एंड इंटीग्रिटी यानी अखंडता है भारत देश की, उसको बनाए रखने का। तो ये सब इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इस सब का शपथ लेते हैं, प्रण लेते हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिस 26th day of November, ये जो 26वां दिन है नवंबर का 1949, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इस प्रकार हम यहाँ इसे अडॉप्ट करते हैं यानी स्वीकार करते हैं, इनेक्ट करते हैं, लागू करते हैं, एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मसमर्पित करते हैं, यानी खुद को ही इसको समर्पित करते हैं, भारत के लोगों को। इफ़ वी एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ ऊपर भारत के लोग आए हैं इसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हम भारत के लोग अपने आप को आत्मसमर्पित कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को दे रहे हैं। इफ़ यू एक्सप्रेस द अबो इन सिंपल वर्ड्स, इट वुड रिपीट, अब इस सब चीज़ को, भारत का जो प्रियम्बल है ये काफ़ी फॉर्मल लैंग्वेज में है, अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो इस टाइप से होगा ये, तो यहाँ पे इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया गया है बाय जस्टिस लीला सेठ के द्वारा, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। लीला सेठ द फर्स्ट वीमेन जज, लीला सेठ द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, वो पहली महिला जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की, इन हर बुक, उनकी जो बुक है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, उनकी बुक का नाम है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट एंड मीनिंग, तो वो भारत की संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है उसकी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया इसको। सेठ टॉक अबाउट द प्रियम्बल विच सेट आउट अवर नेशनल गोल्स, जो सेठ हैं लीला सेठ वो प्रियम्बल के बारे में बात करती हैं जो कि हमारे नेशनल गोल सेट करता है, एंड शी से इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कहती हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, उसकी आत्मा है। सो ये जो हम आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ये लीला सेठ की बुक, द फर्स्ट वुमन जज थी वो इंडिया की, दिल्ली हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी वो, तो उनकी जो बुक है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, उसमें ये एक्सप्लेनेशन है, तो अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो इसी बुक से होगा। सो इफ़ वी एक्सप्रेस द अबोव इन सिंपल वर्ड्स इट वुड रीड, तो ये इस तरीके से होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इंक्लूड ऑल द पीपल ऑफ इन आवर कंट्री, ऑल द पीपल इन आवर कंट्री, तो ये जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके अंदर भारत के सारे लोग सम्मिलित हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, बच्चे भी शामिल है इसके अंदर, हैविंग सोलमनी रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इसका क्या मतलब हैविंग सोलमनी रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इसका मीनिंग ये है हैविंग टेकन ए फर्म डिसीजन टू मेक इंडिया इन टू ए, तो एक सख्त या एक फर्म डिसीजन लेते हैं हम, दृढ़ डिसीजन, दृढ़ संकल्प लेते हैं टू मेक इंडिया इंटू, तो भारत को बनाने का, इंटू यानी इस इन चीज़ों में, सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, तो ये हैविंग टेकन ए फर्म डिसीजन यानी एक दृढ़ संकल्प लेने का, दृढ़ संकल्प लेते हैं भारत को ये बनाने का। आगे पढ़ते हैं इसका, सॉवरन मीन्स संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न हिंदी में इसको कहेंगे सॉवरन, सॉवरन को हिंदी में संप्रभुता संपन्न कहते हैं, इसका अर्थ होता है किसी का दबाव ना हो, अपने आप में संप्रभुता संपन्न होना। वी द चिल्ड्रन वी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि हम भारत के लोग कैन अलोन डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे सिर्फ हम, वाट वी वॉन्ट टू डू, कि हम क्या करना चाहते हैं, एंड नो अदर कंट्री कैन टेल एस वाट टू डू, और कोई भी दूसरा देश हमें नहीं कह सकेगा कि वाट टू डू, कि हम ये हमें क्या करना है, तो इसका मीन्स है सॉवरेन को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, कि हम भारत के लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, और कोई भी दूसरा देश इसके बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा या कुछ भी हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी दूसरा देश हमारे कंट्री के जो मामले हैं उसके अंदर, इंटरफेयर नहीं करेगा,
इट मीन्स संप्रभु तव संपन्न सॉवरेन सोशलिस्ट द पीपल ऑफ द कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड शेयर द कंट्रीज वेल्थ. जो भारत के लोग हैं वो भारत की जो वेल्थ है उसको प्रोड्यूस करेंगे एंड शेयर द कंट्रीज वेल्थ और वो उसकी उसको शेयर करेंगे. इट मीन्स सोशलिस्ट समाजवाद. तो भारत के लोग हैं वो भारत की जो वेल्थ है उसको क्रिएट करेंगे और उसको अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सेकुलर इन इंडिया सेकुलर वर्ड है ये 1977 में जोड़ा गया है सेकुलर एंड सोशलिस्ट. यहाँ पे सेकुलर का वर्ड देखते हैं हम. इन इंडिया वी थिंक ऑफ सेकुलर एज मीनिंग दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट प्रेफर वन रिलीजन टू अनदर. इसका मीनिंग ये है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को प्रेफर नहीं करेगी दूसरे के ऊपर. और रिलीजन्स एंड बिलीव शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली. सभी धर्मों का इक्वल रूप से सम्मान होगा. एंड वी शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द रिलीजन और बिलीफ ऑफ आवर चॉइस. और हमें अपने कोई भी रिलीजन का अपनी पसंद के रिलीजन को प्रैक्टिस करने का और उसको विश्वास करने का उसको मानने का अपनी चॉइस के अधिकार होगा. वी शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द रिलीजन और बिलीफ ऑफ आवर चॉइस. तो हम अपने जो भी रिलीजन है जो भी बिलीफ है उसको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री होंगे. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतांत्रिक गणराज्य. इसका हिंदी में मीनिंग है लोकतांत्रिक गणराज्य. मीन्स इसका मीन्स है ए गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय पीपल वो आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फॉर द गुड ऑफ द पीपल. तो लोगों का लोगों के द्वारा, ये आपने पढ़ा होगा, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन. सो विच इज़ रन बाय, एक सरकार बनाई जाएगी. ए गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय पीपल, गवर्नमेंट जिसको लोगों के द्वारा चलाया जाएगा. वो आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी फॉर द गुड ऑफ पीपल, लोगों के भले के लिए, लोगों के गुड के लिए. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और जो सुरक्षित करेगी भारत के सभी सिटीजन्स को. एंड टू मेक श्योर दैट ऑल इट्स सिटीजन गेट, और ये मेक श्योर करेगी या ये श्योर करेगी, पक्का करेगी कि भारत के सभी सिटीजन्स गेट, प्राप्त करें जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. अब हम पढ़ेंगे जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में. सो फर्स्ट इज जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. इसका मीन्स है द पीपल शुड बी ट्रीटेड फेयरली, कि लोगों लोग हैं उनके साथ फेयरली बिहेव होगा, उनको फेयरली ट्रीट किया जाएगा. एंड ऑनेस्टी इन ऑल मैटर, और सब मामलों में ऑनेस्टी ईमानदारी बढ़ती जाएगी. दिस इंक्लूड, और इसमें इंक्लूड है वेदर पीपल अराउंड यू बिहेव वेल टुवर्ड्स यू, कि आपके आसपास के लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करें. वेदर यू आर गिवन एन इक्वल चांस टू अर्न योर लिविंग, और आपको लिविंग करने का यानी अर्निंग करने का, अर्निंग और लिविंग यानी कमाने का और रहने की बराबर मौका मिले, बराबर चांस मिले, इक्वल चांस. तो सभी को अपनी अर्निंग करने का, अपने कमाने का और रहने का बराबर चांस मिले, इक्वल चांस मिले. वेदर यू कैन फ्रीली वोट और बी वोटेड फॉर, और आप फ्रीली वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसमें न्याय होना चाहिए फ्रीली वोट करने के लिए और वोट पाने के लिए. लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, विश्वास, फेथ और वर्शिप यानी पूजा करने की स्वतंत्रता. लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, थॉट विचार, एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति, बिलीफ विश्वास, बिलीफ एंड फेथ विश्वास एंड वर्शिप. मीन्स द फ्रीडम टू डू वेरियस थिंग. अब ये है फ्रीडम है काफ़ी चीज़ें करने की, अलग अलग चीज़ें करने की. इंक्लूड टू स्पीक, और इसमें इंक्लूड हैं स्पीक, बोलने की स्वतंत्रता एंड राइट ओपनली, यानी फ्रीली आप बोल सकें और राइट कर सकें ओपनली. अबाउट व्हाट वन थिंग, जो कोई भी किस बारे में सोचता है उसके बारे में लिख सके, बोल सके. टू लिव वेयर वन लाइक, जो जहाँ रहना चाहिए इंडिया के अंदर वहाँ रह सके. टू बी फ्री टू चूज वंस फ्रेंड, आप अपना मित्र चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. टू चूज एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी फ्रीडम है आपको, लिबर्टी है. और बिलीफ, अपना धर्म या अपना जो रिलीजन या बिलीफ है, धर्म या विश्वास चुनने के लिए आप ट्रैवल करने के लिए स्वतंत्र हैं. एंड टू फॉर्म ग्रुप, और आप ग्रुप्स बनाने के लिए ये आपको लिबर्टी है, आपको फ्रीडम है. सो लॉन्ग एज वन डजंट हार्म अदर पीपल बाय डूइंग सो, जहाँ तक कि आप ग्रुप बना के किसी दूसरे को हार्म ना करें, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को हार्म ना करें. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की समानता. इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन हैव टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे, कि सभी जो सिटीजन्स होंगे, भारत के सभी नागरिक, वो इक्वल वे में ट्रीट किए जाएंगे, यानी सबको समान रूप से
ट्रीट किया जाएगा इन द सेम वे, नो मैटर व्हाट द रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस और कास्ट में भी। उनका क्या रिलीजन है, क्या कहाँ पे वो पैदा हुए हैं, उनकी क्या नस्ल है, क्या रेस है, क्या उनकी जाति है, इन सबको, उन सबको ना मानते हुए उनके साथ सबको, सबके साथ समान रूप से बिहेव किया जाएगा। और वेदर दे आर वुमन और मैन, पुअर और रिच, और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या गरीब हो या अमीर हो, ऑल ऑफ देम मस्ट बी गिवन ए चांस टू इम्प्रूव देयर लाइफ। सबको बराबर चांस मिलेगा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का, अपने जीवन स्तर को बढ़ाने का, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और सभी के बीच में भाईचारा, फ्रेटर्निटी मीन्स होता भाईचारा, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इस भाईचारे को प्रमोट किया जाएगा सभी के बीच में, ये अश्योर करने के लिए कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्तिगत की, व्यक्ति की डिग्निटी, उसका सम्मान बनाए बना रहे, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और भारत की एकता, इंटीग्रिटी मीन्स होता है अखंडता, एक तो भारत की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता बनी रहे, मीन्स द ऑल सिटीजन शुड, तो जो इसका मतलब है कि भारत के सभी जो सिटीजन्स हैं, सभी इंडियंस, वो इसके लिए कार्य करेंगे, ऐसा करना चाहिए उन्हें, बी एनकरेज टू बी लाइक ए फैमिली, एक परिवार की तरह बिहेव करने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, और अब एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे भाई बहन, डिस्पाइट देयर डिफरेंट लैंग्वेज, अपनी जो अलग अलग लैंग्वेज हैं उनके बावजूद, रिलीजन्स एंड कल्चर्स, अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर्स हैं, उनके बावजूद एक दूसरे के साथ समान रूप से भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भाईचारे का बिहेव करना चाहिए, इसलिए इनक्रेज करना चाहिए। द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, यूनिटी मीन्स एकता, डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग, डाइवर्सिटी अनेकता, इज़ नीडेड टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, तो अनेकता में एकता जरूरी है भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है सिंपल वर्ड्स में, आगे इसकी ये जो लाइन है लास्ट वाली, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, डू हेयर बाई अडॉप्ट, हम यहाँ इसको अडॉप्ट करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अनेक्ट, लागू करते हैं, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन आत्मसमर्पित करते हैं, यानी अपने आप को ही ये प्रदान करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, जस्टिस लीला सेठ, इनकी जो बुक है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, इस बुक से ये एक्सप्लेनेशन लिया गया है। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।